हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको आइस ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आर्टलाइन की ग्रेफाइट पेंसिल से। तो मैं आर्टलाइन की ग्रेफाइट पेंसिल और इरेजर का यूज़ करूँगा। तो मैं ये सारे टूल्स का यूज़ करने वाला हूँ ड्राइंग करने के लिए। तो ये हमारी रेफरेंस फ़ोटो है। तो मैं ये सारे आपको आइस ड्रॉ करके दिखाऊँगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी हमारी आउटलाइंस जो कि ड्रॉ हो चुकी है, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी थी। तो ये हमारी आउटलाइंस है, तो मैंने हाफ एन आवर में बनाई थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते, तो लेट्स सी। सबसे पहले आपको आर्टलाइन की 8B और 10B का यूज़ करना है एकदम डार्क सा करने के लिए। तो हम इसके अंदर एकदम डार्क कर देंगे एकदम रियलिस्टिक सा। तो आपको एकदम 8B और 10B का यूज़ करके आर्टलाइन की एकदम डार्क कर लेना है मीडियम प्रेशर के साथ, एकदम लाइट प्रेशर के साथ। तो इसी के साथ हम पूरी आइस को डार्क कर देंगे, डार्क एरियाज़ और डेथ एरियाज़ को। तो इसी तरीके से आपको दोनों आइस में ड्रॉ कर लेना है, एकदम ईजीली है। तो आप भी ट्राई करना, काफ़ी रियलिस्टिक आइज़ हम ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमारी आइज़ काफ़ी एकदम डार्क हो चुकी है एकदम 10B का यूज़ करके। तो अभी हम आईब्रोज़ को ड्रॉ करेंगे। तो आपको 2B 4B की पेंसिल यूज़ करनी है और एकदम लाइट प्रेशर के साथ एकदम स्लोली स्लोली स्ट्रोक्स लगाने, एकदम अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग। आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स लगाने रेफरेंस फ़ोटो का यूज़ करके। तो मैं आपको रेफरेंस फ़ोटो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तब उधर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम आइस की स्क्रीन टेक्सचर ड्रॉ कर लेंगे। तो आपकी आइस की स्क्रीन टेक्सचर एकदम HB और 2B पेंसिल का यूज़ करके एकदम लाइट प्रेशर के साथ, ओनली शेडिंग का यूज़ करना हमें। तो ये काफ़ी इजी स्टेप्स है। तो आपको उधर डार्क सा दिखे तो आपको एकदम 8B 10B पेंसिल का यूज़ करके एकदम डार्क सा कर लेना है, और आपको लाइट दिखे तो उधर एकदम 2B 4B का यूज़ करके लाइट्स कर लेना है। तो आपको उधर स्ट्रोक्स दिखेगा तो स्ट्रोक्स लगा लेने, एकदम स्मूथ शेडिंग दिखेगी तो उधर स्मूथ शेडिंग कर लेना है, ब्लेंडिंग का यूज़ कर लेना है। तो हम लोग खाली शेडिंग करेंगे और आने वाली वीडियोस में ब्लेंडिंग भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप इधर भी हम स्ट्रोक्स लगा लेंगे एकदम लाइट प्रेशर के साथ। तो आपको लाइट टू डार्क प्रेशर का यूज़ करना है, तो उससे काफ़ी आपकी आइज़ रियलिस्टिक सी दिखेगी। तो एकदम हम लाइट टू डार्क कर लेंगे एकदम। तो अभी हमारी ये आइज़ काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रॉ हो चुकी है। तो सेम मेथड का आपको यूज़ ये वाले आइज़ में भी ड्रॉ करना है। तो आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना एकदम अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस फ़ोटो का यूज़ करके एकदम लाइट टू डार्क शेड कर लेना है। साथ हमारी ये वाली आइस भी ड्रॉ हो चुकी है काफ़ी रियलिस्टिक सी। तो अभी हम दूसरी वाली आइस ड्रॉ करेंगे। तो आपको भी उसमें सेम मेथड का यूज़ करना है एकदम। आपको 4B और 2B का यूज़ करके स्ट्रोक्स लगा लेना आईब्रो में, एकदम लाइट टू डार्क एकदम रियलिस्टिक फ़ोटो के अकॉर्डिंग। और आपको ये फर ड्रॉ कर लेने क्योंकि आइस के ऊपर होते। तो आपको उधर डार्क एरियाज दिखे, डेथ एरियाज दिखे, तो आप 10B 8B का यूज़ कर लो एकदम डार्क करने के लिए, और बाकी लाइट टू डार्क शेडिंग कर लो स्किन टेक्सचर के लिए, और एकदम लाइट स्ट्रोक्स लगा लो एकदम फ़ोटो के अकॉर्डिंग। तो ये मेथड आपको ये वाले आइज़ में भी ड्रॉ कर लेना है। तो सेम टू सेम हम राइट वाले आइज़ में भी ड्रॉ कर लेंगे यही मेथड का यूज़ करके। तो आपको एकदम मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको एकदम ऑब्जर्वेशन करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रोक्स लगाने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने चाहिए। तो आपको ऑब्जर्वेशन कर लेना है सारी चीज़ों को, तभी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस रोज़ करनी चाहिए। तो अभी आपको एकदम ऑब्जर्वेशन करना चाहिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ।
तभी आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, एकदम रियलिस्टिक सी आईज, हाइपर रियलिस्टिक। तो इसी के साथ हमारी ये वाली आइस भी ड्रॉ हो चुकी है। आपको सेम टू सेम मेथड ये वाली आइस में भी ड्रॉ करना है आपको एकदम ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आपको एकदम लाइट टू डार्क स्ट्रोक्स लगा लेने और एक डेथ रेज़ को एकदम डार्क कर लेना है। तो ये वाले मेथड का हम ये वाले आइस में भी यूज़ कर लेंगे। तो अभी हमारी ये वाली आइस भी ड्रॉ हो चुकी है। तो सेम टू सेम मेथड आपको ये वाली आइस में भी ड्रॉ कर लेना है। तो गाइज इसी के साथ हमारी ये वाली आइस भी ड्रॉ हो चुकी है। तो आपको एकदम लाइट टू डार्क यूज़ करनी शेडिंग एकदम, तो आप उससे काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें हमने डार्क एरियाज़ को एकदम डेप्थ एरियाज़ को डार्क कर लिया है और एकदम हम लाइट लाइट शेड कर लेंगे एकदम फोटो के अकॉर्डिंग। आपको एकदम लाइट स्ट्रोक्स लगा लेने और लाइट के ऊपर आप एकदम डार्क करोगे ना तो आपको एकदम रियलिस्टिक सी दिखेगी आइज, काफ़ी रियलिस्टिक से एकदम रियल सी। तो आपको एकदम पेशेंस के साथ आपको काफ़ी रियलिस्टिक आइज ड्रॉ कर लेनी है। तो आपको पेशेंस रखने हैं तो उससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से आइज ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको 4B या 2B का यूज़ करके स्ट्रोक्स लगा लेने हेयर के डायरेक्शन में। तो आपको वो भी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि स्ट्रोक्स कौन से डायरेक्शन में और आपको कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करने स्ट्रोक्स को, तो ही आप एकदम रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको पेशेंस भी रखने और आपको पेंसिल एकदम शार्पन कर लेनी है फाइन स्ट्रोक्स के लिए। तो गाइज आप मेरे और भी ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन कर लिया है किस तरीके से आपको आइज ड्रॉ करनी चाहिए, किस तरीके से नोज़ हेयर्स चारकोल से ग्रेफाइट से। तो आप मेरे वो वाले भी, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप उस पर भी कर सकते हो। तो आपको सारी ड्राइंग्स और सारे आर्ट वर्क आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारी आइज़ ये ड्रॉ हो चुकी है, ओनली हमने शेडिंग का यूज़ किया है। तो आने वाली वीडियोस में हम ब्लेंडिंग भी करेंगे, हाइलाइट्स भी करेंगे। तो इसी के साथ हमारी आइज़ काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ हो चुकी है, तो आप देख सकते हो। तो हमने सारी आर्ट लाइन की पेंसिल से ही ड्रॉ की है आइज़, ओनली पेंसिल और इरेजर का यूज़ करके, एक्सपेंसिव चीज़ें हमने यूज़ भी नहीं की है। तो काफ़ी हमारी रियलिस्टिक आइज ड्रॉ हो चुकी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोस लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।